Education is a continuous and creative process. '21st century education demands equipping students' skills in critical thinking, creativity, collaboration, communication, simultaneously developing the soft skills of courage and compassion. City Montessori School in Lucknow is exerting every effort to bridge the global gap and the citizenship gap in its students. In line with the current world problem to overcome plastic menace and giving fillip to the local government's first firm step to ban polythene bags, students of City Montessori School Jopling Road campus, through their well-established Nukkad Natak repertoire, staged performances sending the message to the public loud and clear, "For us, our earth is dear, ban plastic and dispel our fear." Friends, here is the Nukkad Natak, "Hum Hi Aushadhi, Hum Hi Mool, Hum Hi Karab, Vyatha Sab Dur." आदित्य
आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता से यह अपील भी की है कि हम सभी लोगों को साथ मिलकर इस प्रतिबंध को ज्यादा से ज्यादा कारगर बनाने में सहयोग करना चाहिए। अरे ब्रांडेड प्लास्टिक के डिब्बों में खाना ठंडा करके रखो भाई। अच्छा? अरे भाई प्लास्टिक बनाने में नायलॉन, पॉलिस्टाइन, पॉलीथाइलीन, पॉलीविनाइल, क्लोराइड, यूरिया फॉर्मिडहाइड जैसे खतरनाक रसायनों का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो चाचा। इसलिए खाने पीने की गर्म चीजें प्लास्टिक में रखने पर यह रसायन भी हमारे शरीर में चले जाते हैं। और हाँ, कारों में रखी पानी की बोतलों का पानी गर्म होने पर उसमें केमिकल डाइऑक्सीन भी पानी में घुलकर हमारे शरीर में चला जाता है और कर देता है हमारे शरीर को बीमार। अरे भाई, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने समय समय पर आदेश भी जारी किया है। डिस्पोजेबल प्लास्टिक हमारी इस धरती को बंजर बना रही है। ये बात तो सही कहो चाचा। इसका बहिष्कार हो, बहिष्कार हो, बहिष्कार हो, बहिष्कार हो। 50 माइक्रोन से पतली पॉलीथीन अवैध है, इसका बहिष्कार हो, बहिष्कार हो, बहिष्कार हो, बहिष्कार हो। प्लास्टिक का पुनः चक्रण होना चाहिए यानी रिसाइक्लिंग। सही यानी अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला। CMS Patriarch, founder manager of the school, Dr. Jagdish Gandhi, too joined the team in full support of his students' vehemence against plastic pollution and the clarion call to say no to plastic and yes to healthy planet. Excerpts of some of the acceptance and validation of students' demand. Gandhi ki sabse badi wajah. नाले और नालियों को चोक होने की सबसे बड़ी वजह ये पॉलीथीन के कैरी बैग्स हैं जो हम किसी न किसी रूप में मार्केट में, घरों में, लोगों को, परिवारों में प्रयोग करता हुआ देखते हैं। 15 जुलाई तक 50 माइक्रोन से कम वाली, उसके बाद 15 अगस्त तक कप प्लेट गिलास और कैरी बैग्स, और उसके बाद 2 अक्टूबर से सभी प्रकार की प्लास्टिक को बंद करने का फैसला किया गया। बधाई देते हैं कि उन्होंने पॉलीथीन को बंद करने के लिए श्री सुरेश खन्ना जी और माननीय योगी जी दोनों ही पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए बधाई के पात्र हैं। बच्चों का नुक्कड़ नाटक देखा, आपको कैसा लगा? Because if we teach children, we are teaching everybody because that they are a future. Everyone should support and boycott polythene. This is a very good activity. I think they should be carry on and डे बाई डे भी बढ़ना चाहिए और बहुत ही अच्छा एक्टिविटी। घर से भी निकलें तो कपड़े का थैला या बैग लेकर ही निकलें, पॉलीथीन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मार्केट में भी जो भी पॉलीथीन अगर कोई यूज़ कर रहा है तो उसको मना करें। यही देखिए हमारा अपकमिंग यूथ है और ये जब इस चीज़ को इतने अच्छे से समझ रहा है और जो आगे चीज़ों को समझाएगा तो वो डेफिनेटली हम लोगों को ना चाहकर भी, जो लोग नहीं सोच रहे हैं, बिजनेसमैन हैं या जो लोग हैं जो चाहते हैं कि नहीं अरे हमारे बिजनेस का लॉस हो जाएगा, हमारी रोजी रोटी इससे चली, लेकिन नहीं, जो आगे हमारे बच्चों के भविष्य के लिए नुकसानदायक है वो हमें सोचना पड़ेगा। पॉलीथीन को बैन होना ही चाहिए और अगर इस तरीके के यूथ पॉलीथीन को यूज़ नहीं करते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। डियर फ्रेंड्स, join the 57,000 students, a Guinness Book of World Record holder, City Montessori School fraternity, to be the solution to plastic pollution. Jai Jagat. Jai Jagat, this is KRB Singh with today's CMS news as printed in the newspapers of Lucknow. The Pioneer writes, three talented students of City Montessori School, Station Road campus, Ritvik Ghosh, class 12, Vansh Kumar, class 9, and Utkarsh Tiwari, class 9, won an inter-school quiz competition organized under the aegis of Association of Schools for the Indian Schools Certificate, ASISC. Students of various reputed schools participated in this competition, and the CMS students walked away with the first prizes
using their intelligence, argumentative skills and knowledge. The organizers were all praises for them and awarded them certificate of merit. Daily News Activist, Group 5 Samachar, Spasht Awaz, Canvas Times, Prabhat, Avadnama, Rashtriya Swaroop, Pioneer, Dainik Bhaskar, Swatantra Chetna, Tatha Nav Bharat Times likhte hain, स्टेशन रोड स्थित सिटी मोंटेसोरी स्कूल में पढ़ने वाले इंटरमीडिएट के छात्र ऋत्विक घोष, कक्षा 9 के छात्र वंश कुमार और इसी कक्षा के उत्कर्ष तिवारी ने अंतर विद्यालय क्विज प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल कर अपनी मेधा का परचम फहराया है। ये प्रतियोगिता एसोसिएशन ऑफ स्कूल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट की ओर से करवाई गई थी। सोमवार को आयोजकों ने तीनों मेधावियों को प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया। And that's the end of all CMS news for the day. Thank you and Jai Jagat.